गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने चैप्टर सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफी का यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है पृथ्वी के अध्ययन के लिए, पृथ्वी के बारे में आपको सही से जानकारी प्राप्त करने के लिए। हालांकि उससे उतनी विस्तृत आपको जानकारी हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि मैं आपको जो भी जानकारी दूँ वो बिल्कुल सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करूँ। आज जिसके हम लोग बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रॉक एंड मिनरल्स है। आपने कहीं ना कहीं इन दोनों शब्दों को कहीं ना कहीं सुना भी होगा, या फिर अपने दैनिक जीवन में इसको कहीं ना कहीं यूज में भी देखा होगा। इसी के बारे में बात करेंगे। हम जब बात कर रहे हैं रॉक्स और मिनरल्स को, तो आप समझ गए होंगे ये नॉर्मली हम किसी चट्टान और खनिज की बात कर रहे हैं, हिंदी में इसे कहते हैं ऐसा। तो रॉक्स की बात कर रहे हैं, अगर जनरली आप देखें तो ये रॉक्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कई बार सड़क बनाने में जो इस्तेमाल होता है पत्थर, वो भी एक रॉक ही है, चट्टान है। दूसरे फॉर्मेशन की तरफ आते हैं, अब हमें समझना होगा कि ये रॉक्स होता क्या है। तो हम ऐसे सामान्य जनरली अगर इसकी परिभाषा दें तो हम कह सकते हैं द मेटेरियल दैट फॉर्म द क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जिसके कारण हमारे क्रस्ट का निर्माण हुआ है उसे ही रॉक कहते हैं। क्योंकि हमने क्रस्ट के बारे में एकदम आरंभ में पढ़ा था कि क्रस्ट का निर्माण जो है रॉक से होता है और कुछ सब्सटेंस से होता है जिसमें सॉइल भी है, इन सब चीज़ों के मिलने से रॉक का निर्माण होता है। तो रॉक वह एलिमेंट्स है जिसके कारण जो है क्रस्ट यानी सबसे ऊपरी जो सतह है हमारी पृथ्वी की, उसका निर्माण होता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न पूछा जाता है कि रॉक की वजह से फॉर्मेशन हमारे क्रस्ट कैसे होता है। तो रॉक का जो है अगर हम छोटा छोटा टुकड़ा कर दें एकदम उनको, आपने ये भी देखा होगा कि ये रॉक के टुकड़े होते हैं जिनके ऊपर पानी जो है लगातार वाटरफॉल होता रहता है, गिरता रहता है। इसी वाटरफॉल और गिरने और घिसने और बहुत सारे लंबी जर्नी के कारण रेत का निर्माण होता है। यही रॉक छोटे छोटे टुकड़े में पड़ जाते हैं तो रेत बन जाते हैं, ये फॉर्मेशन रॉक का ही है। रॉक को हम दो बराबर बांट सकते हैं कहने के लिए। पहला हो सकता है, रॉक की बात कर रहे हैं तो पहला हो सकता है सॉलिड फॉर्म, ये होता है सॉफ्ट फॉर्म। मतलब एक तो होता है बहुत सॉलिड होता है, हार्ड होता है, और एक होता है सॉफ्ट होता है। ये हार्ड होता है, माफ कीजिएगा, सॉलिड की बजाय हम कह सकते हैं हार्ड होता है, ये काफी हार्ड होता है, आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते हैं। है ये भी रॉक लेकिन इसको आसानी छोड़ा या इसको अपने हिसाब से टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको हार्ड फॉर्म में आप कहते हैं रॉक। और जिसको आसानी से तोड़ सकते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, फ्रजाइल हो सकता है वह, उसको हम सॉफ्ट फॉर्म कहते हैं। नॉर्मली आपको पता होना चाहिए ये जो चॉक का इस्तेमाल हम करते हैं ये भी एक रॉक से ही मिलकर बनता है, यानी चौक को हम आसानी से तोड़ लेते हैं तो यह सॉफ्ट फॉर्म ऑफ क्या है, रॉक है। और जिस रॉक को यानी आप सड़कों पर देखते हैं सड़क बनाने के लिए या घरों में जो इस्तेमाल होता है मार्बल्स वगैरह, उनको हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं अपने हाथ से, इसीलिए यह हार्ड फॉर्म ऑफ रॉक्स है। नॉर्मली जिस बताया मैंने हार्ड फॉर्म में मार्बल ग्रेनाइट जो होता है हार्ड फॉर्म होता है, और क्ले जो होता है चौक होता है, यह भी एक फॉर्मेशन ऑफ रॉक का ही है लेकिन वह सॉफ्ट फॉर्मेशन है। ऐसे में इनके कॉम्पोजिशन, इनके हार्डनेस, इनके कलर बिल्कुल भी प्रॉपर्टी रॉक्स के इनको डिफाइन करते हैं कि जो है कलर कैसी है, इनका फॉर्मेशन कैसा है, इनका कॉम्पोजिशन कैसा है, इनके आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। अब रॉक्स के हिसाब से इनको भी आगे मैं आपको बताऊंगा किस किस तरह के रॉक्स होते हैं और इनके क्या इनकी कंडीशन है, उनके क्या क्या नाम है, क्योंकि इनकी इन्हीं के कॉम्पोजिशन और उनके फीचर के आधार पे कई तरह के रॉक्स पाए जाते हैं, उनके नाम अलग अलग रखे गए हैं। अब बात कर रहे हैं हम मिनरल्स, मिनरल्स मिनरल्स को अगर सामान्य बात भाषा में हम कहें समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं मिनरल्स वह सब्सटेंट है जिसको माइन करके निकाला जाता है। मिनरल हम वो सब्सटेंट मानते हैं जिसको हम माइन करके निकाले, माइन का मतलब जमीन के अंदर से खोद कर निकाला। अब सामान्य स्तर पर हम ऐसा तो कह सकते हैं कि दो चार फीट खोद के हम मिनरल्स निकाल लेते हैं, इसके लिए हमको बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी, बहुत से बहुत बहुत बड़े
इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके और कई किलोमीटर तक नीचे तक डिप किया जाता है और तब मिनरल्स निकाला जाता है, यानी बहुत ज्यादा गहराई में खोदने के बाद जमीन के अंदर से। और कुछ जगहों पर ही, स्पेशल जगहों पर, ऐसा भी नहीं है कि आप कहीं से मिनरल निकाल सकते हैं, उसकी कुछ तरह से पूरे प्रक्रिया होती है जिसमें साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर वहां से माइनिंग किया जाती है और फिर मिनरल्स निकाले जाते हैं। माइनिंग का सिंपल सा होता है जमीन के अंदर से खोद कर निकालना, जमीन के अंदर से खोद कर जो सब्सटेंट निकाला जाता है हम उन्हें मिनरल्स कहते हैं। याद रखिएगा ये नेचुरल सब्सटेंट होता है, यानी इसको हम बनाते नहीं हैं, ये नेचुरल ही पाया जाता है। नेचुरल सब्सटेंट होता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है, याद रखिएगा, मेंटल तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं अभी है कि हम मेंटल तक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पहुंचा सकें, सिर्फ हमें अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मिनरल्स, सभी मिनरल्स, ऐसा नहीं है कि किसी एक मिनरल्स की बात कर रहे हैं, सभी मिनरल्स की कंपोजिशन अलग होती है दूसरे से, उनके फीचर्स अलग होते हैं, उनके कंपोनेंट्स अलग होते हैं, उनके सॉलिड प्रॉपर्टी अलग होती है, उनकी मेटलिक प्रॉपर्टी अलग होती है, यानी प्रॉपर्टी सबकी डिफरेंट होती है एक दूसरे से। यानी अगर मिनरल्स की बात करें तो क्रूड भी, क्रूड ऑयल जो होता है वो मिनरल्स होता है, हम अगर बात करें पेट्रोल डीजल की वो मिनरल ही होता है, और एलपीजी भी मिनरल होता है, लेकिन दोनों की कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है। इवन आयरन भी वो मिनरल ही होता है, जमीन के अंदर से निकालते हैं उसको। ये जो कोल होता है वो मिनरल्स ही होता है, उसको जमीन के अंदर निकालता है, लेकिन इन सब के फीचर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इनके फीचर, इनके केमिकल कंपोजिशन, इनकी मेटलिक एनर्जी, इन सब कुछ बिल्कुल एक दूसरे से, कलर, टेक्सचर, सब कुछ डिफरेंट होता है मिनरल्स का। मैंने बताया आपको कोल, नेचुरल गैस, एलपीजी, पेट्रोलियम, ये सब कुछ क्या है, ये सब मिनरल्स ही हैं। इवन हम जो भी मेटल्स का मेटल का इस्तेमाल करते हैं ये सब मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन सबके डिफरेंट कंपोजिशन होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इनका केमिकल कंपोजिशन भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। यह मिनरल्स की खासियत है। फिलहाल मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिनरल्स के बारे में बहुत डिटेल जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आप लोगों को लाभ मिला होगा, आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड करेंगे और आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। आशा विश्वास करते हैं कि आपके घर में सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।